आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, क्योंकि उन्होंने कल बाइंग करा है कि सर इसको बेच नहीं पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि इस समय स्टॉक लोअर सर्किट में है, जहां ऑलरेडी बायर जीरो है और सेलर काफी संख्या में है। बाइंग करने को कोई भी रेडी नहीं है, जिसके कारण आप इस स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे हैं। इस स्टॉक का वॉल्यूम अराउंड 2 करोड़ के आसपास का रहा है। डिलीवरी देखेंगे तो अराउंड 80% का कंटिन्यूस डिलीवरी बाइंग दिख रहा है। अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। 1.60 रुपया का एक माइनर नहीं कहेंगे, इसको मेजर रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसको क्लोजिंग के ऊपर श्योरली जो पहला टारगेट होगा 1.80 रुपया, दूसरा टारगेट होगा 2.40 रुपया और सपोर्ट जो है वो 1.10 रुपया से 1.30 रुपया तक का है। बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज हमने देखे, टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 20-30% तक का है, जिसका बेनिफिशियरी जीटीएल इंफ्रा श्योरली दिखेगा। तो इस समय पैनिक नहीं करे, श्योरली 1.50 रुपया तक के प्राइस इजिली विद इन 7-10 डेज मैक्सिमम के ड्यूरेशन में दिख सकता है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी रही जिसके कारण ये स्टॉक डाउन ट्रेंड दिखा है। प्रॉफिट बुकिंग एज एक्सपेक्टेड था। हमेशा हमने देखा कि रेजिस्टेंस के प्राइस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखता है। अगेन स्टॉक वन साइडेड अपट्रेंड में आपको